अयोध्या व्रत को लेकर खरीदारों से बाजार में बढ़ी रौनक, फुटपाथ पर सजी दुकानें। अयोध्या व्रत को लेकर एक दिन पूर्व ही तैयारी शुरू हो गई है। महिलाएं नए वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, पूजा सामग्री, फल आदि की खरीदारी कर रही हैं। इसको लेकर मुख्य बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। फुटपाथ पर अयोध्या गुथने वाले कारीगर भी अपनी दुकानें सजा दिए हैं। महिलाएं दुकानों पर अयोध्या लेकर लाल, पीला, हरा आदि रंगों के धागे से गुथवा रही हैं। आभूषण दुकान पर अयोध्या खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन महिलाएं अयोध्या व्रत रखेंगी। इस साल यह व्रत बुधवार 29 सितंबर को है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं व्रत को रखती हैं उनके बच्चे के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उन्हें संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। इस व्रत पर निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूजन कर उनकी लंबी आयु की भी कामना करती हैं। इस व्रत को करते समय सूर्योदय से पहले ही खाया पिया जाता है। सूर्योदय के बाद पानी भी नहीं पी सकते हैं। इस व्रत में माताएं ज्योति पुत्रिका और राजा जीमूत वाहन दोनों की पूजा कर पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद ही पारण किया जाता है। इस पर्व में मड़ुआ की रोटी, कंदा, सतपुतिया और नोनी की साग का खास महत्व है। महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। बता दें कि ज्योतिषाचार्य मिश्रा जी के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से शुरू हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वह सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अनजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मशास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब ही से इस व्रत को किया जाता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ रफीक खान की खास रिपोर्ट।